तो हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज फिर से बनाने जा रहे हैं एक्टिवा का मशरूम पैच, क्योंकि कस्टमर ने यहाँ पर दोनों डबल डबल पंचर लगाए हैं। इसको हम मशरूम पैच डालेंगे और परमानेंट पंचर कस्टमर को बना के देंगे। चलो काम शुरू करते हैं। चलो तो गाइज, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कस्टमर ने कैसे दो पंचर लगाया है। इसमें दो दो और चार पंचर हो गए। वो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला एक पंचर, ठीक है, और एक जो है यहाँ पे है सेट पे, तो ये हुआ दो पंचर। तो हम अभी इसको मशरूम पैच बनाने जा रहे हैं। हम कटिंग प्लेयर से, आपके भाषा में जो कहते हैं, उससे जो है कटिंग प्लेयर से जो है हमने पैच को, पंचर को जो है निकाल लेना है। एक पंचर तो निकल गया। और हम दूसरा पंचर भी ऐसे ही निकाल लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पंचर इसमें लगे थे। अभी जो है हमने दो मशरूम के पैच लगाने वाले हैं, तो चलो हम काम शुरू करते हैं। पहले कर दी। तो गाइज, हमने जो है पाने से अभी टायर को थोड़ा चौड़ा कर लिया है, ताकि हमको पैच डालने में आसानी हो। अगर मेरी पिछली वीडियो कार का जो मशरूम पैच बनाया है वो आपने नहीं देखा है, तो प्लीज जाके उस पुराने वीडियो को देखिए। तो गाइस देखिए, मार्क जैसा है उतना ही हमने मार्क किया है, मगर उससे थोड़ा बड़ा जो है थोड़ा छोड़ा घिसेंगे उसको। चलो काम शुरू करते हैं। क्या? हाँ। तो गाइस, हम जो है, हमारे पास मशीन अवेलेबल है, तो हम मशीन से काम कर रहे हैं, क्योंकि मशीन से जब आप काम करोगे तो बहुत ज़्यादा लाइफ रहेगा उसका, इसलिए हम मशीन से काम कर रहे हैं। अगर आप कहीं पर भी मशरूम पैच बनाने जाओगे तो उनको भी आप बोलेंगे मशीन का यूज़ करें, क्योंकि आपका टायर ज्यादा खराब नहीं होता।
तो गाइस हमने जो है सुबह अब जो हमने हम अब जो है सुबह की मदद से थोड़ा होल को जो है बड़ा कर लेंगे, जिससे कि मशरूम पैच आसानी से बाहर आए, जिसका ये डंडी है जो है बाहर आए आराम से। तो अभी हमारा नेक्स्ट काम जो है सॉल्यूशन से जो है अतराफ इसको कवर करेंगे, लगाएंगे दोनों जगह अच्छे से, कम में कंजूसी ना करें। और इसको ऐसे कुछ फैला दे आराम से, जितनी देर आप गम को सूखने देंगे उतना अच्छा गम जो है मशरूम पैच जो है बैठेगा। अभी हम इसको 5 मिनट सूखने देंगे, इसके बाद जो है मशरूम पैच को लगाएंगे। इधर से जो है इसका रैप निकलता है तो हम रैप को आराम से निकालेंगे। अगर यहाँ पे नहीं निकलेगा तो थोड़ा ऐसे स्ट्रेच करिए, ये निकलेगा। और इसको भी थोड़ा हम सॉल्यूशन लगा लेंगे। और हमने जो है ये होल के अंदर इसमें अटैच करना होता है। अगर हमने उसको यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे इसकी डंडी आती है, जिसको हमने पकड़ के पुल करना पड़ता है। और इसको भी हम ऐसे ही कुछ निकाल लेंगे आराम से। और हम इसको भी कुछ ऐसे ही अंदर डालेंगे। और हम
रोलर की सहायता से इसको पाक से ऐसे नीट से बिठा देंगे। इसका जो कोना है इसको अच्छे से घस के बिठा देंगे जिससे कि ये ना निकले। हम जो है अभी इसको फिक्स कर लेते हैं। ಬಾಲ್ಪಿನಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ हमने इसका एयर 40 रखा है और आप मशरूम पैच देख सकते हो परफेक्टली लगे हैं। तो अभी हम इसको ऊपर से कट करने वाले हैं। थोड़ा जो है हमको इसको गैप दे के ऊपर से कट कर लेना है कुछ ऐसे, और ये जो है थोड़ा घिसते घिसते लेवल आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने मशरूम पैच इस टायर में डलवाया है। आप मैडम रेडी? हाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे मोर वीडियोस के लिए हम जो है बेल आइकॉन प्रेस करके रखें क्योंकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।